अधिक बारिश होने से किसान हुए चिंतित। इंदौर जिले के देपालपुर सांवेर हाथों तहसील के गांव में हुई किसानों की फसल नष्ट हो गई। बारिश के कारण सोयाबीन में लग रहा वायरस, इस वायरस से पौधों में ना तो फली आई है और पौधा सूख रहा है। अर्जुन जी सांखला एवं अन्य किसान भाइयों द्वारा अजय देव शर्मा अति जिला दंडाधिकारी को कलेक्टर ऑफिस में जाकर ज्ञापन दिया और मांग की कि हम किसानों की फसल नष्ट हो गई, जांच की जाए। इन किसान भाइयों ने दो बार बुवाई की गई एवं 4 से 5 बार दवाई का स्प्रे भी किया गया, लेकिन इन किसानों की फसल पकने वाली थी और अधिक बारिश होने से किसानों की फसल नष्ट हो गई। इंदौर जिला कलेक्टर के ऑफिस में अति जिला दंडाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि 4 से 5 दिन में नष्ट हुई फसलों का सर्वे किया जाए। अर्जुन जी सांखला द्वारा बताया गया कि 4 से 5 दिन में हम किसानों की फसलों का सर्वे प्रशासन द्वारा नहीं किया गया तो हम किसान भाई इंदौर जिले के कलेक्टर ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे। जय जवान जय किसान साथियों, जो अभी सोयाबीन में जो वायरस आया, जो पीलापन वायरस आया, उसके बाद जो आज तो जो सोयाबीन का जो पौधा उसमें आज फली भी नहीं आई है, तो ये सोयाबीन पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इसको केवल अब बखेरने की जरूरत है। किसानों ने अपनी संपूर्ण मेहनत कर चुके थे, इसमें वो एक दो बार उन्होंने बुवाई की होगी, उसके बाद अच्छी से अच्छी दवाई छाटी, 5-5 बार स्प्रे की दवाई लड़की, लेकिन अब आखिरी में जब घर लाने की बारी थी तब सोयाबीन आज खराब हो चुकी है। यहाँ हम ज्ञापन देने आए थे और कलेक्टर महोदय साहब से मुलाकात कर रही थी, लेकिन महोदय कहाँ, कोरोना के कारण व्यस्त थे तो